हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पकोड़े, और ये बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी, गर्म गर्म चाय के साथ सर्व करने पे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं प्याज के पकोड़े। तो चलिए हम प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 4 प्याज काट लिए हैं बारीक, और आवश्यकता अनुसार हमने 4 मिर्ची काट लिए हैं। और इसको हम सबसे पहले मिलाएंगे अच्छी तरह, ताकि जो प्याज का स्लाइस है वो अलग हो जाए। इस तरह अच्छी तरह हम प्याज को ऐसे मिला लेंगे, ताकि प्याज का स्लाइस जो अलग अलग हो जाए। हमने यहाँ पे बेसन रखेंगे, जितना हमें आवश्यकता पड़े उतना हम बेसन को मिलाएंगे इसमें अच्छी तरह। हमने इसमें हल्दी और मिर्च रख दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। और हमने मिर्ची पहले मिला रखे हैं, हरी वाली लाल आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। इसमें हमने मंगरेल और अजवाइन मिला लिया है, मंगरेल अजवाइन को मिला लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक रख दिया है, जितना आप स्वाद अनुसार के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये देखिए प्याज का बैटर अच्छी तरह से मिल गया है। हमने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल रख दिया है, और यह गर्म है। प्याज का बैटर को इसमें रखेंगे फ्राई करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े भी रख सकते हैं। प्याज की पकौड़ी हल्की ब्राउन होने लगे हैं। इसको हम पलट दिए हैं। रख लिया है, अब हम इसे निकालेंगे। बाकी के प्याज के पकौड़े हम फ्राई कर लेते हैं। और बेसन से भी बहुत क्रिस्पी बनता है, आप चाहे तो सूजी पीसा हुआ डाल सकते हैं या तो चावल का आटा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसन पेस्ट किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज के पकौड़े बनके तैयार है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे दाल चावल भी खा सकते हैं, और ऐसे भी आप खा सकते हैं चाय के साथ, और या तो बरसात के मौसम में और भी स्वादिष्ट लगता है। गर्म गर्म चाय के साथ सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी।